अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से हम अपनी स्किन को ग्लास स्किन बना सकते हैं जस्ट इन 7 डेज। ठीक है, 7 डेज का मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, टिप बताऊंगी किस तरह से। जस्ट सिंपल सी सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल। आपकी किचन में ना सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, आपको कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल है, 7 डेज के लिए बना के रख लें और फेस पे अप्लाई करना है 2 टाइम्स, डे में 2 टाइम्स। ठीक है, आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी कि ज़बरदस्त आपकी स्किन एक तो हाइड्रेट हो जाएगी, स्किन में जो पानी की कमी या इस तरह आपकी स्किन मुरझाई होती है और सन टैन हुआ होता है, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपकी स्किन के साथ है तो ये रेमेडी जो है आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देगी। बहुत बहुत आजमुदा टिप बताने लगी हूँ क्योंकि इस रेमेडी से बहुत ज़्यादा मैंने अपनी आंखों से रिजल्ट देखा है, तो सोचा आपसे शेयर करूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। और इससे पहले कि जैसे कि हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग न्यू आ रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, ये जो रेड बटन नज़र आ रहा है, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे टाइम। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो समर में अगर हमने कोई भी टिप यूज़ करना है तो उसका पहला रूल ये है कि आप अपनी स्किन को अच्छे से पहले क्लीन कर लें। ठीक है, आपकी स्किन के ऊपर कोई डस्ट ऑयल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पर जो रेमेडी आपको बताऊंगी वो आपने लगानी किस तरह से है और उसके साथ आपने मजीद एक्स्ट्रा यूज़ क्या करना है और बेस्ट सीरम कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये भी साथ आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नंबर वन पर आपके पास होना चाहिए राइस, उसको आपने जितनी आपकी मर्जी है, जितना आप चाहते हैं उतने से आप राइस ले लें और उसको भिगो के रख दें। ठीक है, भिगोने के बाद जब राइस पानी छोड़ देते हैं उब जाते हैं आपकी रेसिपी के लिए, इसी तरह जो ऊपर पानी आता है फिर आप उस पानी को उतारते हैं, उस वाले पानी को आपने ले लेना। ठीक है, किसी भी बाउल में उस पानी को ले लें। ठीक है, अब सेकंड पर जो हमारे पास है वो होना चाहिए कुकम्बर, उसको कुकम्बर का जूस चाहिए। ठीक है, कुकम्बर को आप जूस भी बना सकते हैं उसको कट करके। तो अब आपके पास उसका जूस हो गया, उसको भी आपने जो है ना राइस वाटर में जूस को ऐड कर लेना। दो चीज़ें हो गई। अब जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा ये जो सारी चीज़ें हैं ना मैं आपको बता दूँ, जो राइस वाटर होगा ना आपकी स्किन को टाइट करेगा, आपकी एंटी एजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, एंटी रिंकल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपकी स्किन में शाइन एक्स्ट्रा शाइन देगा। अब जो कुकम्बर है ना वो आपकी स्किन को जो है एक तो ठंडक देगा, जैसे कि गर्मी है पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिन लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है ना उनके लिए भी बेस्ट है, और जिन लोगों को गर्मी दाने निकलते हैं उसके लिए बड़ा बेस्ट है। जब ये दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन हो जाता है गाइज, आपको पता भी नहीं है कि दोनों चीज़ों का जब कम्बिनेशन होगा इस तरीके से, अगर हम अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन के लिए ये कितना ज़बरदस्त है और कितनी जल्दी आपको फास्ट रिजल्ट देगा। मैं चैलेंज करती हूँ इस बात का कि आपको इतना जल्दी रिजल्ट एक क्रीम नहीं दे सकती जितना ये आपको रेमेडी, इस ये वाली रेमेडी जो है ना वो आपको रिजल्ट देगी। ठीक है, अब ये दो चीज़ें जो है आपने पानी बना के इसको मिक्स करके रख लिया, उसके बाद अब आ जाए जी आलू को आपने पीस लेना है, जो पानी हमने पहले से रखा हुआ है उस पानी के अंदर हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, आलू अब क्या करता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपके आई डार्क सर्कल जो है वो उस आलू जो है ना वो उसको बहुत जल्दी ठीक करेगा। अगर आपकी स्किन के ऊपर जो है कोई ऐसा निशान पड़ गया है जैसे जले का निशान या जैसे किसी चीज़ का रिएक्शन, ठीक है, इस चीज़ को आलू का जूस जो है वो ख़त्म करेगा। ठीक है, आलू में ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि गाइज आपको पता नहीं है कि इसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स अगर मैं सारी चीज़ों के बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हो सकती है, ठीक है, इसलिए शॉर्टकट बता रही हूँ। हमें अपने जो है अपनी स्किन को मेंटेन करना है, हमें शाइन चाहिए, हमें वाइटनिंग चाहिए, हमें इन चीज़ों से नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए कि कौन क्या करता है। ठीक है, उसको दफ़ा करें, मैं आपको जो रेमेडी बताने लगी बस वो आपने ध्यान से सुना, करना क्या। ठीक, बहुत ज़्यादा स्किन रफ हो जाती है, डेड स्किन हो जाती है, बहुत ज़्यादा सनटैन हुआ होता है या स्किन की हालत टोटल बिगड़ चुकी होती है ना, तब हम लोग ये होम रेमेडी ये यूज़ करते हैं जिससे यकीन करें कि बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। रेमेडी कोई भी है जब आप उसको दिल से एतमाद के साथ यकीन के साथ यूज़ करेंगे ना कि इसका आपको फ़ायदा मिलेगा तो वो आपको ज़रूर फ़ायदा देती है। रेमेडी का कोई नुकसान नहीं है, कोई आपको उसका साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों का ना फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है, फेस पे आपने लगा रहने देना है 15 से 20 मिनट। ठीक है, जब ये ड्राई होने लगे उसके बाद आपने रोज़ वाटर का स्प्रे कर देना है इसके ऊपर। ठीक है, इसको फिर आपने छोड़ देना है, फिर आपने जब देखना है कि अभी ये ड्राई हो रहा है आपने फिर इसका स्प्रे कर देना है। ठीक है, रोज़ वाटर का स्प्रे इस तरह करने से आपने मतलब वक्फे वक्फे से ना थोड़ा थोड़ा आपने इसको स्प्रे करते रहना है, तो आपका ये 15 से 20 मिनट तक फेस पे लगा रहे। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए तो आपने इसको रिमूव कर लेना है, मतलब कि लाइट फेस वॉश कर लेना है। लाइट फेस वॉश करने से मतलब ये है कि सोप एंड फेस वॉश नहीं यूज़ करना, सिंपल वॉश करना है। ठीक है, अब सिंपल वॉश कर लिया मतलब फॉर एग्जांपल आपने नाइट में इसको यूज़ किया है तो फिर आपने याद रहे कि जब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब ये रेमेडी आपने यूज़ करनी है आपकी स्किन नीट होनी चाहिए, पहले से धुली हुई स्किन होनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। कोशिश करें
जब ये रेमेडी आप यूज करें तो इसके साथ अच्छा अच्छे वाला जो है ना वो आप फेस क्लिंजर के साथ 2 से 3 मिनट क्लिंजिंग कर लें, ताकि आपकी स्किन के अंदर से जो एक्स्ट्रा ऑयल है या डर्ट है वो रिमूव हो जाए, तब ये रेमेडी का आपको डबल फायदा होगा। ठीक है, तो आपके पास अच्छे वाला क्लिंजर होना मस्ट है। वॉश कर लिया, आप लास्ट पे जो है वो आपने फेस पे क्या लगाना है वो भी बताती हूँ आपके। लास्ट पे जो है आपने जेन फार्म का जो कि दिखता है कुछ इस तरह से सीरम है, ये सीरम आपने लास्ट पे नाइट में यूज करना है गाइस। आप यकीन करें जस्ट 7 डेज का टाइम है, मैं आपको जस्ट 7 डेज बता रही हूँ। 7 डेज आपको रिजल्ट ना मिले तो आप इसको छोड़ दें, दफा करें, फिटे मुंह करें और बेशक आके चैनल को आके अनसब कर देना, ठीक है, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आजमूदा टिप होते हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, और मेरी यही कोशिश होती है कि वही चीज मैं आपको बताऊँ जिसका आपको फायदा हो नुकसान ना हो। इसी बात के साथ हम अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।